हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, जो कि पेज नंबर आपका है 38 और उसके बाद 39 और 40, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 38 पर लिखा हुआ है कंपेरिजन ऑफ नंबर और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको लिखा गया है काउंट बोथ सेट नंबर, फिर उसके बाद लिखा है राइट मोर आर लेस, राइट मोर आर लेस, ठीक है। पहले आपको दो स्टेट दिया गया जिससे यहाँ पर ये आपने बना दिया था। यहाँ स्टेटमेंट है कि आपने यहाँ पर बनाया गया है, और दूसरा ठीक है, इस तरीके से आप दोनों पहले क्या करेंगे, लिखा है काम ऑब्जेक्ट, दोनों सेट में आप जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको काम करेंगे। तो यहाँ उसके बाद लिखा है राइट नंबर, तो उसके नंबर आपको यहाँ पर ब्लैक करना है, यहाँ पर राइट करना है, तो इसको पहले काम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल इसमें जो है 16 आपके अंदर है, तो यहाँ यहाँ लिखेंगे ये 16, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको भी काम करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर आपको 13 मिला, तो यहाँ लिखेंगे आप 13। ये तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट को आपने लिख लिया, काम कर लिया, और उसके बाद राइट के नंबर उसके नंबर भी आपने लिख लिया। अब आगे लिखा है राइट मोर अर्थ, अब उसमें आपको कंपेरिजन करना है कौन मोर है और कौन लेस है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर 16 है, तो 16 जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये आप 13 ऑब्जेक्ट से क्या है मोर है, तो यहाँ आप लिखेंगे मोर और 13 क्या हो जाएगा तब लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस, एल ई डबल लेस, ठीक है। 16 इज मोर देन 13, तो 16 के लिए मोर लिखेंगे और 13 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों
लेस, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आपको दे सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर बना करके दिया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखेंगे, यहाँ पर पहला सेक्शन है और यहाँ पर इस तरीके से यह ऑब्जेक्ट बना है, और यहाँ पर आपका बनाया है दूसरा किताब बना हुआ है, ठीक है। चेक में आप चेक आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पहले आपको दोनों चेक में आप देखने को काम करना है, यहाँ काम करेंगे पहले चेक में पहले देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर जो है पहले से ऑब्जेक्ट है तो यहाँ राइट कर देंगे फिगर में, और उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट काम करेंगे आप दूसरे स्टेट के ऑब्जेक्ट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये टोटल कितना है 80। तो यहाँ पर राइट तरीके से 80 तरीके से आप बात करेंगे। अब दोनों नंबर का आप कंपेरिजन करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप टोटल 15 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 16 ऑब्जेक्ट है, तो 15 जो है 18 से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, यहाँ पर 18 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 15 है, तो 15 जो आप लेते हैं ये कम है इससे, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे लेस एल ई डबल एल लेस, ठीक है। और जब 15 लेस है तो दूसरा आप देखे जो देख रहे हैं दूसरे चीज में ये 18 क्या हो जाएगा मोर एम ओ आर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सोचते हैं 15 इज लेस देन 18, ठीक है। 15 क्या है कम से 18, ठीक। इस तरीके से आपको कौन नंबर यहाँ पर लेस है और कौन नंबर मोर है इसके लिए आपको वर्ड दिया गया लेस और मोर का यहाँ पर लिख देंगे, उसको लिखेंगे बच्चों। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा चीज, यहां पर देखिए बिगर
बिगर एंड स्मॉलर नंबर, ये क्या होते हैं? इसको भी आप लिखते यहां, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है क्या, यहाँ जो ये बना हुआ है मान लीजिए यहाँ आपके तीन व्यक्ति बने हैं, ठीक है, छोटे नंबर के द्वारा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और यहाँ पर तृतीय व्यक्ति इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 आ गया फिर हम लिख लेंगे और इसको काम करेंगे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ टोटल कितने आपके 10 ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिखता हूँ 10 या फिर 8 लिखे और अभी आपको मोर और लेस बताया गया है आप देखते हैं कि इसमें 8 ऑब्जेक्ट है और उसमें 10 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में 10 ऑब्जेक्ट है तो जो 8 ऑब्जेक्ट है ये लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेस और ये 10 ऑब्जेक्ट मोर ये ज्यादा है इसलिए मोर। अब जो लेस होता है बेटा वो स्मॉलर होता है, जो लेस होता है ये क्या होता है स्मॉलर, ये तो ये स्मॉलर हो गया, ये क्या हो गया आपका स्मॉलर, एक हो गया स्मॉलर तो टेन क्या हो जाएगा, जो मोर होता है वो बिगर हो जाता है, टेन क्या हो जाएगा बिगर, ठीक है, ये आपका लेस जो होता है वो स्मॉलर होता है और जो फोर होता है बच्चे वही क्या होता है बिगर होता है, तो एट स्मॉलर नंबर एंड एट इज बिगर नंबर, इस तरीके से बिगर और स्मॉलर हम जो है कंपेरिजन करते हैं इनके द्वारा और लेस या मोर ही कंपेरिजन का वर्ड है, आप उसको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब नंबर क्रम में लिखना, जैसे यहां पर देखिए हमको 1 से लेकर के 10 तक नंबर सीक्वेंस में लिखना है तो इस तरीके से हम राइट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yeah.
बनाते हैं ये टेप बनाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्केच में आप लोगों ने 14-15 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर 14 और आपका यहाँ पर 14 के बाद क्या आ रहा है 15 और एक फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ 13 है। तो हमें ये 13 यहाँ पर करना है, तब ये नंबर आपका सिक्वेंस में होगा 13-14-15, ठीक है। नंबर को आपको इस तरीके से भरना है कि वो सिक्वेंस में हो। इसी तरीके से हम देखेंगे 18 मिसिंग नंबर है, उसके बाद तो यहाँ 18 से स्टार्ट किया गया है, इसको यहाँ देखेंगे ये आपका टेक बनेगा। तो 18 के जस्ट आफ्टर क्या है 19, तो 19 को यहाँ पर टेक करना है, ठीक है बेटा। आप दोनों को शुरू में देख रहे हैं क्या है 19, तो यहाँ पर हम करेंगे 19। तो आप उसको जब पढ़ेंगे बच्चों 18, 19, 20 ये बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में आपको हो जाएगा, ठीक है। और आइए बेटा हम लोग जो है होमवर्क लेते हैं। ये सीक्वेंस में नंबर किस तरीके से दिखाई देता है आपको समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे बच्चों होमवर्क, होमवर्क में लिखेंगे काउंट बोथ सेट क्वेश्चन नंबर 1, काउंट बोथ आप आपके ऑब्जेक्ट राइट हैंड नंबर नंबर राइट मोर आर लेफ्ट राइट मोर आर लेफ्ट ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर टेक्स्ट बना दे रहे हैं इस तरीके से, यहां पर आप टेक्स्ट को काम कर रहे हो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 ए है, सेम उसी तरीके से बी क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन को बताया गया है, और उसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन इसको इरेज करने हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
write bigger R is smaller. Second question is, यहाँ पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री है, दो क्वेश्चन इसमें नोट करेंगे और एक क्वेश्चन और लेंगे बेटा यहाँ पर। राइट द मिसिंग नंबर, थर्ड क्वेश्चन में write the missing number A and B. एक क्वेश्चन है आपका, सी क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे उसके साथ साथ आप पेज नंबर 38 एंड 39 ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।